प्रेज द लॉर्ड, शालोम टू ऑल माय व्यूअर्स। फिर एक बार मैं मिसेस रूथ मनोज पोरे आप सबका नूरियल गॉस्पल चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि पिछले समय में मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं अपने जीवन के उस भाग को आपसे शेयर करूँगी जहाँ पे परमेश्वर ने मेरे जीवन के असंभव स्थिति को संभवता में बदल दिया। प्रियो, 4 मई, सॉरी उसके पहले मैं अपना परिचय विस्तार में आपको देना चाहूँगी। मैं मिसेज रूथ मनोज बोरे, डॉटर ऑफ लेट मधुकर गोपाल राव यंगड़। मेरी मम्मी का नाम मिसेज मंदाकिनी मधुकर यंगड़। मैं CBC क्रिश्चियन बिलीवर्स चर्च नागपुर की सदस्य हूँ, मेंबर हूँ और मेरे पासबान का नाम है पास्टर प्रकाश बेंजामिन। 4 मई 2018 में मेरा विवाह मिस्टर मनोज धर्मराज बोरे के साथ हुआ और जैसे कि हर कपल का एक सपना होता है कि शादी के बाद हमारा परिवार बढ़े और परमेश्वर खुदा हमको बच्चों से ब्लेस करे, ये हर कपल का सपना होता है। लेकिन मेरे लिए ये सपना थोड़ा सा कठिन हो गया था बिकॉज जिस समय मैंने शादी की उस समय मेरा एज, मेरी उम्र जो थी वो आई वॉज अराउंड 46 ईयर्स, मैं 46 ईयर्स की थी। और ऐसे समय में शादी के बाद एक बच्चे का ड्रीम देखना, एक बच्चे की ख्वाहिश रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। आप लोग सब जानते हैं कि एक समय के बाद एट द एज ऑफ 40 एंड अबव महिलाओं के लिए बेबी को कंसीव करना इट्स जस्ट लाइक इम्पॉसिबल, क्योंकि ये एज उनका मेनोपॉज का एज होता है। आई वॉज एट दैट एज जब मैं एक बच्चे का इच्छा या डिज़ायर रख रही थी। लेकिन हाँ, एक विश्वास मेरे लाइफ में था, एक विश्वास मेरे हृदय में था कि यस, अगर यीशु मसीह मेरे साथ है, उनकी प्रॉमिसेस, उनकी वाचाएं मेरे साथ हैं, तो मेरा खुदा मेरे लिए ये असंभव बात जो है उसको वो संभव कर सकते हैं। और प्रियो, इसी विश्वास के साथ मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने प्लान किया कि यस विल गो फॉर इट। और हमारी इस दिशा में हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। हमने इस सिलसिले के संदर्भ में डॉक्टर्स लोगों के विजिट्स किए, उनकी ट्रीटमेंट्स मेरे लाइफ में शुरू हो गए जो कि बहुत डिफ़िकल्ट थी, बहुत ज़्यादा पेनफुल आप बोल सकते हैं। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। हर बार आई हैव टू मैनेज माई होम, माई ऑफिस, उसके साथ डॉक्टर्स के विजिट्स, ये सारी बातों को मैनेज करके। एंड एवरी टाइम व्हेन आई यूज टू गो टू माई डॉक्टर, वो हमेशा मुझसे ये कहते थे कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, आप इस चीज़ को, आप इस डिज़ायर को, या आपकी ये जो इच्छा है, आप इस विश को आप ड्रॉप कर दीजिए। लेकिन मैं उनको, बिकॉज इट्स अ रिस्क, ही यूज़ टू से इट्स अ रिस्क, ये इस एज में बेबी को कंसीव करके डिलीवर करना इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स अ वेरी बिग रिस्क। उन्होंने मुझे पहले ही इस बात की चेतावनी दे दी थी। लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, लाइफ वैसे भी हमारा सबका जीवन इट्स अ वेरी बिग रिस्क, हम लोग रोज जीते हैं, इट्स अ रिस्क, कब क्या हो जाएगा किसी को कुछ खबर इस बात की नहीं रहती है, इट्स अ रिस्क।
मैंने अपने डॉक्टर से कहा कि सर आई एम रेडी टू टेक ऑल द रिस्क, जो भी रिस्क है सारे रिस्क को मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। मैंने क्यों इस स्टेटमेंट को दिया प्रियो, क्योंकि मेरे दिल में विश्वास यीशु मसीह के ऊपर कि वो मेरी इस ख्वाहिश को निश्चय ही पूरी करेंगे, मेरा वो फेथ था यीशु मसीह के ऊपर। एंड आई वॉज प्रेइंग, मैं मेरे हस्बैंड और मेरा परिवार, मेरे कलीसिया के मेंबर, हम सब इस दिशा में इस मेरे इस डिज़ायर के लिए प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। और हमारा परमेश्वर तो जीवित परमेश्वर है, वो विनतियों को सुनने वाला, हमारी प्रार्थनाओं को का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और इस तरह से मेरा मां बनने के सफर पर चलने की शुरुआत हो गई। प्रियो, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि किस किस मुश्किल से, किस किस असंभव स्थिति से मुझे जाना पड़ा, मेरे अनुभवों को जो बहुत कठिन थे मैं आप लोगों के साथ आने वाले मेरे वीडियो में मैं शेयर करूंगी। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप नूरियल गॉस्पल चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए, ताकि और भी ज़्यादा लोग मेरी इस अनुभव को, मेरी इस गवाही को सुनकर उनका विश्वास का लेवल बढ़े और वो हमारे अद्भुत परमेश्वर की महिमा और स्तुति करें। आप सब अपना ख्याल रखिए एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।